देखिए आईवीएफ में क्या होता है, बेसिकली आईवीएफ में तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अगर आप उसको आप ले मैन टर्म में बोलो तो जैसे एक पौधा बनता है नया, वैसे ही हम एक बेबी बनाते हैं। बेबी एक तरह का आप सोचो पौधा, फ्रूट हुआ। अब अगर आप एक पौधा बनाते हो तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? आपकी बीज यानी सीड अच्छी होनी चाहिए। इस केस में जो बीज है, सीड है, वो हैं हमारे अंडे, जो फीमेल के अंडे होते हैं, एंड जो मेल होते हैं उनके जो शुक्राणु होते हैं वो बीज हो गए दोनों तरफ से। उसके बाद आती है बात सॉइल की। जैसे पौधा आपका तब भी नहीं ग्रो करता है अगर सॉइल बुरा और डेजर्ट हो उसमें पौधा नहीं ग्रो करता है, तो सेम चीज़ सॉइल। सॉइल इस केस में क्या है? यूट्रस। तीसरी चीज़ होती है जो न्यूट्रिशन मिल रहा है एक प्लांट को। न्यूट्रिशन इस केस में क्या है? जो आपकी फीमेल के बॉडी के अंदर के हार्मोन्स चल रहे हैं और जो आपके ब्लड में सारे मूव कर रहे हैं, जो आपके मेडिकल सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं वो आपके हो गए जो न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो बेसिकली तीन चीज़ें आप पकड़ लो जो लेमैन लैंग्वेज में हम बोलते हैं। फर्स्ट थिंग हो गई आपकी एग एंड स्पर्म क्वालिटी, उसी से एम्ब्रियो बनता है। सेकेंड चीज़ हो गई यूट्रस मीन्स आपका सॉयल। एंड थर्ड चीज़ हो गई जो आपकी फीमेल के बॉडी में, जो आपकी वाइफ है उनके बॉडी में जो चल रहा है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू सी कि इसमें से किस चीज़ में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आई। एम्ब्रियो क्वालिटी के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हम एम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस स्टेज तक ले जा सकते हैं, वो डे 5 एम्ब्रियो होता है, दैट इज़ द मैक्सिमम स्टेज जो हम एम्ब्रियो को एक लैब में ग्रो कर सकते हैं। सेकेंडली हम फ्रोजन साइकिल कर सकते हैं, उससे भी हमें पता चल सकता है कि एम्ब्रियो सही है या नहीं है। यूट्रस के लिए भी बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे आजकल 3D 4D आ गए हैं, डॉपलर स्टडीज़ आ गए हैं, हिस्ट्रोस्कोपी आ गए हैं, और एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी के टेस्ट हैं जिनमें आप देखोगे कि एम्ब्रियो तो नॉर्मल है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, एम्ब्रियो बहुत अच्छा बन रहा है, वाइफ के एग्स अच्छे हैं, हस्बैंड के स्पर्म अच्छे हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आती है। उन केस में क्या होता है? एंडोमेट्रियम में रिसेप्टिविटी नहीं होती, मींस एंडोमेट्रियम में क्षमता नहीं होती है बच्चे कैच करने के लिए। उन पेशेंट्स के लिए हम सरोगेसी की एडवाइस करते हैं। पर अगर आप सोचोगे कि सरोगेसी में भी 100% प्रेगनेंसी होती है, तो ऐसा नहीं होता है। बिकॉज IVF एक तकनीक है, वो एक साइंस है। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमने एम्ब्रियो बना के डाला और आपकी जो लाइनिंग है वो बहुत अच्छी है तो प्रेगनेंसी आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह की चीज़ है, जैसे एक शब्द होता है मेडिकल प्रोफेशन में, उसको हम बोलते हैं फिकंडिटी। मींस जैसे एक फीमेल के 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, वो 12 साइकिल में अपने हस्बैंड के साथ रहती है और उसकी सब कुछ नॉर्मल है, उसकी ट्यूब्स खुली हैं, उसके एग्स अच्छे हैं, हस्बैंड का स्पर्म अच्छा है, फिर भी वो ऑल 12 साइकिल्स में कंसीव नहीं कर सकती है। दैट इज़ अननेचुरल। फिकंडिटी जो है सो इतनी हाई नहीं हो सकती है। तो उसमें 5 से 6 साइकिल ही ऐसे होंगे मैक्सिमम जिसमें कि वो कंसीव कर सकती है। सेम होल्ड्स ट्रू फॉर द IVF साइकिल ऑल्सो। हम एम्ब्रियो बना के डाल रहे हैं और उसे हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम मेडिसिन दे करके कि इम्प्लांटेशन हो जाए, और इम्प्लांटेशन का हम एक विंडो ढूंढते हैं जिसमें कि चांसेस ज़्यादा होते हैं इम्प्लांट करने के। और इसके अलावा हमें लैब का सारा टेक्निक नॉर्मल होना चाहिए, लैब में क्वालिटी कंट्रोल नॉर्मल होनी चाहिए, आप किस लैब में करा रहे हो IVF वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्डली जो डॉक्टर आपके कर रहे हैं उनका प्रिसिजन और स्किल कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ जो फीमेल या मेल जो कपल्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो कितनी मेडिसिन टाइम पे लिए, कितना उन्होंने स्ट्रेस लेवल्स कम रखा, ये सब चंद चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो IVF क्यों फेल होता है? यूजुअली इसमें से कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम रहती है। ओनली 5 to 8% या 10% पेशेंट्स होते हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी उनके IVF फेल होते हैं। प्लस उसके बाद आपके ऑटो इम्यून फैक्टर्स भी होते हैं, जो ये 5-10% पेशेंट्स बचते हैं उनमें ऑटो इम्यून फैक्टर्स होते हैं, मींस उनकी बॉडी खुद के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडीज़ बनाती है, उन केसेस में भी IVF फेल होते हैं। तो पहले तो आप सोचो जो IVF के लिए पेशेंट्स आ रहे हैं उनको एज इट इज़ इनफर्टिलिटी है तभी वो आ रहे हैं, वरना वो खुद से कंसीव हो जाते हैं। अब उनमें हम फर्स्ट चीज़ ये है कि हम एक डायग्नोसिस बनाएं। IVF एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, उसके लिए डायग्नोसिस बनानी बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से उसको IVF के लिए जाना पड़ रहा है। बिकॉज जब तक हम प्रॉब्लम नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें किस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करना है। तो दैट इज़ अ टेक होम मैसेज कि IVF फेल होने से आप डरना नहीं चाहिए, बिकॉज सारी स्टडीज़ हैं वो हमें बताती हैं कि मिनिमम एक पेशेंट को 3 IVF साइकिल के लिए सोच के चलना चाहिए। एंड प्रेगनेंसी यूजुअली जो लोग लगे रहते हैं उनकी प्रेगनेंसी आ ही जाती है, पर ऐसा नहीं है कि 100% आती है, बिकॉज IVF एक साइंस है, उसमें 100% प्रेगनेंसी कभी भी नहीं हो सकती। जो अगर पेशेंट्स खुद फैट होते हैं तो उनमें यूजुअली जो हार्मोन लेवल्स होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं, प्लस जो फैट लेडीज़ होती हैं उनमें PCOD होने का चांसेस बहुत हाई होता है।
फैट लेडीज़ में अगर पीसीओडी होता है तो पीसीओडी खुद में एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेशेंट कंसीव नहीं करती है. इसीलिए बोला जाता है कि अपना वेट कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है. वैसे भी मोटापा एक अच्छी चीज़ नहीं है, और अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाओगे तो उसमें एबॉर्शन के रिस्क सब कुछ बढ़ जाते हैं. अगर आप मोटे हो, आपको डायबिटीज़ होने के रिस्क रहते हैं, आपको हाइपरटेंशन होने के रिस्क रहते हैं प्रेगनेंसी में. इसीलिए बोला जाता है कि आप अपना वेट मैनेज करके चलो, और वो एक कहीं इनडायरेक्ट एक कॉज है प्रेगनेंसी नहीं ठहरने का, आईवीएफ फेल होने का, बिकॉज लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपके आईवीएफ साइकिल्स में.